प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में पढ़ा था ब्रिटिश संविधान, और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आएगा, फिर चीन का संविधान आएगा, और फिर आएगा चीन के संविधान की पृष्ठभूमि। तो आशा यानी वरण पूर्ण विश्वास है मेरे को कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपने लाइकिंग जो है वो प्रकट करेंगे, जैसे हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छी तरीके से इस विषय को समझ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। समय में सामान्यतया देश के संविधान का निर्माण गंभीर सोच विचार के आधार पर और योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और विश्व के अन्य देशों के संविधान में हुआ है। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, वरन इसका विकास हुआ है, और इसने लगभग 1400 वर्षों के विकास के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। इसलिए ब्रिटिश संविधान जो है वो बहुत उल्लेखनीय है। अब ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं जो हैं वो हैं, नंबर एक, विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा हुआ है, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है वरन उसका विकास हुआ है, और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई, 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ, 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम हो। दूसरा है अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं, और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, लेकिन उसका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है, और प्रमुखतः संविधान के इसी लक्षण के कारण ही डी टॉकविले और थॉमस पेन के द्वारा तो उसके अस्तित्व पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। न्यूमैन ने संबंध में लिखा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को ब्रिटिश विशिष्ट बनाती है वे ऐसी अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित हैं। नेक्स्ट है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से सर्व लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अंग्रेजी विद्वान एनसन कहते हैं, हमारी पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों अथवा शैल मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, या लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है, अथवा उसका वितरण नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है, और ब्रिटेन में साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराओं ने संविधान की मूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कार्य बहुत कठिन कर दिया है। ब्रिटेन में ये एक परंपरा स्थापित हो गई है कि संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक ना किया जाए जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जनसहमति न प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए 1911 के संसदीय अधिनियम के आधार पर लॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती करने के पूर्व 1910 में लोक सदन को विघटित कर उस विषय पर जनस्वीकृति प्राप्त कर ली गई। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। मुंडरो के शब्दों में, ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता।
यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद का ये तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में। ऑग ने ऐसा मत व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत व व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, पर जितने अधिक रूप से मैं वे अंग्रेजी संविधान में पाए जाते हैं उतने किसी संविधान में नहीं पाए जाते। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के कुछ उदाहरण हैं। पहला, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र है। दूसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है, किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। तीसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है किंतु वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। तो सिद्धांत और व्यवहार के इस भेद के कारण ही ऑग ने लिखा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑग का ये कथन ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख असंगति की ओर ध्यान आकर्षित करता है और ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक शक्तियों तथा उसकी वास्तविक स्थिति में भेद को स्पष्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण, दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। उसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की ससीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डिलोम कहते हैं, संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। तो उल्लेखनीय है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार ही है। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध हैं। आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं और परंपराओं से सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ स्थिति से सीमित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकात्मक शासन। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और संभवतया इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और ये केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियाँ संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, विधि का शासन।
ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं, विधि का शासन है। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के नितांत विपरीत है, जहाँ सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की स्थापना या व्यवस्था की गई है। डाइसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए ही कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। विधि के शासन की यह बात सैद्धांतिक दृष्टि से ही पूर्ण सत्य है, व्यवहार में इस पर अनेक प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट है अधिकार पत्र का अभाव, किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी आलोचना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं हैं। कुछ अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार आदि तो संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुछ अन्य स्वतंत्रताएँ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि सामान्य विधि पर आधारित है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकारों को आघात न पहुंचाएं। नेक्स्ट है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं वरन विकसित संविधान है। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाता रहा है। परिस्थितियों के अनुसार विकास ने जहां संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया है, वहां इसी कारण संविधान में असंगति भी आ गई है और असंगति का प्रमाण तथा प्रतीक है ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली। मूल रूप से जो तीन प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ होती हैं, ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्रीय संस्था है, जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। लोकसदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक हैं। राजपद और लॉर्ड सभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि राजपद और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है द्विदलीय पद्धति। ब्रिटिश संविधान और राजनीति की एक अन्य विशेषता द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, किंतु व्यवहार में पिछली लगभग तीन सदियों से ब्रिटिश राजनीति में लगभग दो ही राजनीतिक दलों की प्रमुखता रही है। नेक्स्ट है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू का विचार है कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा ही है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। तो संवैधानिक कानून 2005 के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांत तथा पृथकता नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था, लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक और सार्वभौमिक दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिक और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर दिया गया है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक होंगे। तो व्यवहार के अंतर्गत जो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 ईस्वी के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन अब संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है और सुधार कानून में कहा गया है कि लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित करने की कोई चेष्टा नहीं करेंगे। तो ये हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं।